हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 14। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के भी 13 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। पार्ट 14 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को डेवलप करने के लिए क्या प्रोसेस है या किन स्टेप्स को कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रोसेस को हमने जब स्टडी किया तो हमने देखा उसमें टोटल 8 स्टेप्स हैं। कंपनीज को इन 8 स्टेप्स को फॉलो करना है अगर उन्हें अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिवली डेवलप करना है। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तो कंपनी को ये पता होना चाहिए कि भाई उसका टारगेट ऑडियंस कौन है जिस तक वो अपने प्रोडक्ट की कम्युनिकेशंस को पहुंचाना चाहता है। टारगेट ऑडियंस का जब उसे पता होगा तो जो मोस्टली कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होते हैं, व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन, वेयर एंड टू हूम, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। इसको हम डिटेल में पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। जब आपको आपके टारगेट ऑडियंस का पता चल गया तो सेकंड स्टेप है सेट द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। हर एक कंपनी का कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। कोई कंपनी चाहती है कि भी उसकी कम्युनिकेशन के थ्रू वो अपनी ब्रांड के लिए अवेयरनेस को क्रिएट करे। कोई कंपनी चाहती है कि वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपने ब्रांड के लिए लॉयल्टी बिल्ड करे। कोई कंपनी चाहती है कि वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी ब्रांड के लिए नीड को अराइज करे या इस्टेब्लिश करे। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कम्युनिकेशंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको वो अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू अचीव करना चाहती है। इसको हमने पिछली वीडियो में डिटेल में किया था कि भी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जब आपका ऑब्जेक्टिव भी सेट हो गया कि भी हम ये ऑब्जेक्टिव हमारी कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, अब बात आती है डिजाइनिंग द कम्युनिकेशन। ये है हमारा थर्ड स्टेप। अब आप अपने कम्युनिकेशन को डिजाइन करेंगे। फॉर्मुलेटिंग द कम्युनिकेशंस टू अचीव द डिजायर्ड रिस्पांस रिक्वायर्स आंसरिंग 3 क्वेश्चन। ये कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को फॉर्मुलेट करने के बाद जब आप चाहते हैं फॉर्मुलेटिंग द कम्युनिकेशंस टू अचीव, मतलब आप जो डिजायर्ड रिस्पांस अपने कंज्यूमर्स से चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए जब आप अपने कम्युनिकेशंस को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उसमें आपको 3 आंसर्स को क्वेश्चन करना है। उसमें फर्स्ट है व्हाट टू से, कि भी आप क्या कहेंगे अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, इसे हम बोलते हैं मैसेज स्ट्रेटजी। दूसरा है हाउ टू से इट, आप उस मैसेज को कैसे कहेंगे, क्या आपकी अपील होगी, उसे हम बोलते हैं क्रिएटिव स्ट्रेटजी। थर्ड होगा हु शुड से इट, कौन कहेगा, हमारे मैसेज का सोर्स कौन होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको आंसर करके आपके जो कम्युनिकेशंस की फॉर्मुलेशन है उसके थ्रू आप जो डिजायर्ड रिस्पांस अपने कंज्यूमर से चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। क्लियर? तो जब हम कम्युनिकेशंस को डिजाइन कर रहे हैं तो हम 3 चीज़ों की बातें कर रहे हैं। पहला कि भी हम कम्युनिकेशन में कहेंगे क्या, हमारी मैसेज की स्ट्रेटजी क्या होगी। दूसरा, हम उस मैसेज को कैसे कहेंगे, हाउ टू से इट, हमारी क्रिएटिव स्ट्रेटजी क्या होगी। और तीसरा, उस मैसेज को कहेगा कौन, मैसेज का सोर्स कौन होगा, हु शुड से इट। तो ये 3 के आंसर जब हमें मिल जाएंगे तो हमारी कम्युनिकेशंस डिजाइन हो जाएंगी या डेवलप हो जाएंगी। पहला है व्हाट टू से, क्या कहना है। मैसेज स्ट्रेटजी, इन सेलेक्टिंग मैसेज स्ट्रेटजी मैनेजमेंट सर्चेज फॉर अपील्स, थीम्स और आइडियाज दैट विल टाई इन टू द ब्रांड पोजिशनिंग एंड हेल्प इस्टेब्लिश पॉइंट्स ऑफ पैरिटी और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। ये कह रहे हैं जब हम मैसेज की स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो मैनेजमेंट उसमें देखती है कि भी उनकी क्या अपील होगी, क्या थीम होगी या क्या आइडिया वो यूज़ करेंगे जिनकी वजह से उनकी जो ब्रांड पोजिशनिंग है या फिर हम कह सकते हैं वो अच्छे से अपने पॉइंट्स ऑफ पैरिटी को या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस को इस्टेब्लिश करेंगे। पॉइंट्स ऑफ पैरिटी होती हैं कि भी किन फीचर्स में हम अपने बिल्कुल कॉम्पिटिटर्स
जैसे हैं, मतलब हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल कॉम्पिटिटर जैसा है उन फीचर्स में। कुछ फीचर्स में हमारा जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर से अलग हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ये कह रहा है जब भी हम मैसेज की स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करते हैं तो मैनेजमेंट उस टाइम सर्च करती है कि भी क्या अपील या क्या थीम या क्या आइडिया हम यूज़ करें जिससे मार्केट में हमारी ब्रांड की अच्छे से पोजिशनिंग भी हो जाए और हम अच्छे से ये इस्टेब्लिश कर पाएँ कि भी हमारे पॉइंट्स ऑफ पैरिटी क्या हैं और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या है। सम ऑफ दीज अपील्स और आइडियाज में रिलेट डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट और सर्विस परफॉर्मेंस। जैसे ये कह रहा है जब हम अपील या आइडिया की बात करते हैं कि भी क्या हमारी अपील होगी, क्या हमारी थीम होगी, क्या आइडिया होगा, मतलब व्हाट टू से हम क्या कहेंगे, तो कई बार तो हमारी जो अपील या आइडिया होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्ट या सर्विस की परफॉर्मेंस से। जैसे हम अपनी थीम में या आइडिया में जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट और सर्विस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें व्हाट टू से क्या कहेंगे हम, तो हो सकता है हम डायरेक्टली ही प्रोडक्ट और सर्विस की परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे द क्वालिटी, इकोनॉमी, वैल्यू ऑफ द ब्रांड। अदर्स में रिलेट टू मोर एक्सट्रिंसिक कंसिडरेशन, या फिर हो सकता है कि भी हम प्रोडक्ट या सर्विस की परफॉर्मेंस से रिलेटेड बातें ना करें, हम कुछ अदर जो एक्सट्रिंसिक कंसिडरेशन है उनकी बात करें। द ब्रांड एज बींग कंटेम्प्रेरी, या आप ऐसे बात कर सकते हैं कि भी ब्रांड हमारी कंटेम्प्रेरी है, पॉपुलर है या ट्रेडिशनल है। तो आपकी जो थीम है या आइडिया है कि आप क्या मैसेज की स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे अपने व्हाट टू से क्या कहेंगे, तो उसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, या फिर हो सकता है आप अदर एक्सट्रिंसिक कंसिडरेशंस की बात करें। क्लियर? तो ये हुई हमने यहाँ तक की बात, इस पॉइंट को आप फर्स्ट पॉइंट बना सकते हैं। रिसर्चर जॉन सी मेलोनी फेल्ट बायर्स एक्सपेक्ट वन ऑफ फोर टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड फ्रॉम अ प्रोडक्ट। ये कह रहा है जो ये हमारा जॉन सी मेलोनी है, इन्होंने ये फील किया जो हमारा बायर है, कंज्यूमर है, वो एक्सपेक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट से चार टाइप के रिवॉर्ड्स। वो किसी भी प्रोडक्ट से चार टाइप के रिवॉर्ड्स को एक्सपेक्ट कर सकता है। या तो वो रिवॉर्ड की फॉर्म होगी रैशनल, कि भी अच्छी परफॉर्मेंस वो प्रोडक्ट देगा, रैशनल होगा, उसके फीचर्स अच्छे होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी। दूसरा हो सकता है सेंसरी, कि भी वो हमारे किसी सेंसेस को मतलब सेंसेस को टच करेगा, जैसे हमारे टेस्ट को इंक्रीज करेगा या टेस्ट में अच्छा होगा या किसी भी चीज़ में सेंसेस में। फिर हो सकता है सोशल, या फिर हम उससे रिवॉर्ड चाहते हैं ईगो सेटिस्फेक्शन। तो ये फोर टाइप्स के रिवॉर्ड्स हैं जो कोई भी बायर एक्सपेक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट से। या तो वो उससे रैशनल कोई चीज़ एक्सपेक्ट करता है, या सेंसरी, या सोशल, या ईगो सेटिस्फेक्शन। They might visualize these rewards from results of use experience. ये कह रहा है अब जो ये rewards हैं वो कैसे कैसे सोच सकते हैं results of use experience में, कि भी जब हम उसको use कर लेंगे, use करने के बाद जो उसके results आएंगे, या फिर हो सकता है product in use experience, या फिर जब हम उसको use कर रहे होंगे तभी हम उसका जो product का experience होगा वो, या फिर हो सकता है incidental to use experience। तो इन चार awards को consumer कब कब expect करता है, तीन फॉर्म्स में ये विजुलाइज करता है। पहला है या तो उसको यूज़ करने के बाद के रिजल्ट्स, या जब उसको यूज़ कर रहा है तभी उसका एक्सपीरियंस, या फिर इंसिडेंटल यूज़ करने के साइड बाय साइड। क्लियर? क्रॉसिंग द फोर टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड, अब हमने क्या किया, चार टाइप के रिवॉर्ड्स देख लिए कि भी एक प्रोडक्ट से एक बायर चार टाइप के रिवॉर्ड्स को एक्सपेक्ट करता है। और किन फॉर्म्स में करता है, तीन फॉर्म्स में करता है, या तो यूज़ करने के बाद रिजल्ट्स, या यूज़ करते हुए ही रिजल्ट्स, या फिर इंसिडेंटल साइड बाय साइड। तो अगर हम इन फोर टाइप्स के रिवॉर्ड्स को देखें और थ्री टाइप्स के एक्सपीरियंसेस को देखें तो 12 टाइप के मैसेजेस जनरेट हो जाएंगे। फोर रिवॉर्ड्स हैं, थ्री हमारे कह सकते हैं एक्सपीरियंसेस जनरेट होते हैं, तो 4 × 3 करें, क्योंकि हर एक रिवॉर्ड एक एक्सपीरियंस तो जनरेट करेगा तीनों में से, तो टोटल हमारे पास 12 टाइप के मैसेजेस जनरेट हो गए। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है उस एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि भी कैसे रिवॉर्ड और एक्सपीरियंस हमारा रिलेटेड है। द अपील गेट्स क्लॉथ्स क्लीनर, ये कह रहा है अगर वो आपसे अपील करते हैं गेट्स क्लॉथ क्लीनर इज अ रैशनल रिवॉर्ड प्रॉमिस। ये कह रहा है यहाँ वो आपको कह रहे हैं कि भी आपके कपड़े क्लीन हो जाएंगे, तो ये कैसी अपील है, ये है एक रैशनल रिवॉर्ड, क्योंकि इसमें वो आपकी सेंसेस को नहीं दे रहे, कोई सोशल स्टेटस को नहीं कर रहे, ईगो को सेटिस्फेक्शन नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं एक रैशनल आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं। फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ यूज एक्सपीरियंस, और ये जो आपको रिवॉर्ड है ये मिलेगा भी कब, रिजल्ट्स ऑफ यूज एक्सपीरियंस, जब आप उस प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे तो यूज करने के बाद के रिजल्ट्स का एक्सपीरियंस वो आपको बता रहे हैं कि जैसे ही आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो एक आपको रैशनल रिवॉर्ड मिलेगा,
रेशनल रिवॉर्ड मतलब आपके कपड़े क्लीन हो जाएंगे, और रिवॉर्ड भी कब मिलेगा? फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ यूज, जब आप उसको यूज कर लेंगे, यूज के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उसकी फॉर्म में। तो पहला हो गया। दूसरा हो सकता है द फ्रेज रियल बियर टेस्ट इन अ ग्रेट लाइट बियर। ये कह रहा है आपको रियल बियर का टेस्ट मिलेगा ग्रेट लाइट बियर में, और लाइट बियर है बिल्कुल हमारी, लेकिन फिर भी आपको रियल बियर का टेस्ट मिलेगा। क्लियर? तो ये कैसा है, एक सेंसरी अवार्ड आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी एक सेंस है टेस्ट करने की, उसके लिए हम आपको एक रिवॉर्ड प्रॉमिस कर रहे हैं कि भी आप जब हमारी बियर को लेंगे, वो बिल्कुल लाइट बियर है, लेकिन आपको उसमें टेस्ट कैसा मिलेगा? रियल बियर का ही टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ जो आपको वो रिवॉर्ड प्रॉमिस कर रहे हैं वो है सेंसरी रिवॉर्ड, और वो किससे कनेक्टेड है? प्रोडक्ट इन यूज एक्सपीरियंस, कि भी जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, यूज करते वक्त ही आपको उस चीज का जो रिजल्ट है या यूज मिलेगा, एक्सपीरियंस होगा। जैसे ही आप उस बियर को पिएंगे जो ग्रेट लाइट बियर है, आपको रियल बियर का ही टेस्ट आएगा। तो यहां उन्होंने जो रिवॉर्ड आपको प्रॉमिस करा वो सेंसरी था, और एक्सपीरियंस का अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस कब मिल रहा है? जब आप उस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट इन यूज है, जैसे ही उस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, रिजल्ट की बात नहीं कर रही। यहां था कि जैसे ही आप यूज कर लेंगे उसके बाद के जो रिजल्ट्स होंगे, यहां हम प्रोडक्ट इन यूज की कर रहे हैं, जैसे ही आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे उसके टाइम ही आपको एक्सपीरियंस होगा। तो आप खुद देखें कि भी चार टाइप के रिवॉर्ड्स हैं जो एक बायर एक्सपेक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट से, और उसको वो किन उन रिवॉर्ड्स को कैसे कैसे विजुलाइज करता है, या तो वो यूज़ करने के बाद उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, या जब यूज़ कर रहा होगा प्रोडक्ट इन यूज तभी उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर इंसिडेंटल टू द यूज एक्सपीरियंस होगा। तो ये तीन टाइप के हम कह सकते हैं कि भी एक्सपीरियंस जनरेट होते हैं चार टाइप के रिवॉर्ड्स के साथ। तो इनके थ्रू हम 12 टाइप के मैसेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने साफ साफ देख लिया कि भी हमारी मैसेज की स्ट्रेटजी, व्हाट टू से, कि भी क्या कहना है, उसमें हमारी मैनेजमेंट सर्च करती है अपील्स के लिए, थीम्स के लिए या आइडियाज़ के लिए, जिनके थ्रू उनकी ब्रांड की पोजिशनिंग भी हो जाए, और जो उनके पॉइंट्स ऑफ पैरिटी हैं या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज हैं वो भी अच्छे से कंज्यूमर के माइंड में इस्टेब्लिश हो जाए। क्लियर? तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट और सर्विस की परफॉर्मेंस से रिलेटेड अपील या आइडिया को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अदर जो मोर इंट्रिंसिक कंसिडरेशंस हैं उनको आप अपने आइडिया या अपील की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा व्हाट टू से, कि भी आप मैसेज क्या कहेंगे, मैसेज की स्ट्रेटजी क्या होगी। दूसरा है हाउ टू से इट, आप कैसे कहेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिव स्ट्रेटजी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और फिर लास्ट हमारा होगा हु शुड से इट, मैसेज का सोर्स कौन होगा, कौन हमारे कम्युनिकेशन को पहुंचाएगा हमारे कंज्यूमर तक। तो इसके थ्रू जब हम इन तीनों को डिस्कस कर लेंगे तो हमारी कम्युनिकेशंस क्या हो जाएंगी, डिज़ाइन। अब हमने मैसेज भी सोच लिया, अब हम क्रिएटिव स्ट्रेटजी को देखेंगे कि भी कैसे जो हमने सोचा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हमारी अपील होगी, क्रिएटिव स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके बाद कौन उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेगा, कौन उसको कहेगा, कौन हमारा मैसेज का सोर्स होगा। क्लियर? तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए फिलिप कोटलर का बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक, क्या लाइन टू लाइन आपके लिए कंटेंट लेके आ रही हूँ, वो भी इतने अच्छे तरीके से हिंदी लैंग्वेज में। तो आप सभी व्यूअर्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोलीग्स हैं। और अगर अभी तक आपने दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे दिशा क्लासेस की आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड स्पॉटिंग मी। थैंक यू अलॉट।